हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सब सिद्धाम कुमार आपके अपने चैनल को सिद्धाम में आप सारे लोगों का स्वागत करता हूं। रोज भेली का ऑनलाइन रिफंड कर रहे हैं, उसमें जो समस्या आ रही है, सारे समस्या का हल आज इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, मैंने जो पिछले वीडियो ऑनलाइन अप्लाई का बनाया था, किस तरह से करना है, क्या दिक्कतें आ रही है, उसमें भी कुछ कुछ मैंने बताया था। उसमें भी आपने जो है बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन किए, जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि जो कि हमारे पास पूरा रसीद नहीं है तो क्या करें। अगर आपके पास पूरा रसीद नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नॉमिनी नाम कहाँ डालना है, ये सारा कुछ डिटेल्स यहाँ पे मैं बताऊंगा। ऐसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि नॉमिनी का नाम कहाँ पे डालना है, ये सारा कुछ जो कि है इंडियन बैंक का IFSC कोड नहीं हुआ यानी नहीं आया, मेरा नाम पर ज्यादा सर्टिफिकेट है, ऑनलाइन कर सकते हैं क्या, अपलोड नहीं हो रहा है, गेट अमाउंट मी 1 लाख नहीं ले रहा है, ये सारे क्वेश्चन का आज सारा सबमिट नहीं हो रहा है, पोस्ट ऑफिस सितू, यानी ये सारे क्वेश्चन आंसर का आपको आज सब कुछ मिल जाएगा। यानी किसी का जो है पूरा रसीद, बहुत सारे रसीद है लेकिन वे सारे ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो वे किस तरह से करेंगे, बोल रहे हैं कि हमारे पास पूरा रसीद नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, ये सारे चीजों का जो है यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन आंसर का आपको आज इस वीडियो में आंसर मिल जाएगा। उससे पहले अगर हमारे चैनल में न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको कोई दिक्कत आता है या फिर कोई भी लेटेस्ट न्यूज हो आपको सबसे पहले यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट करना, आपका भी कमेंट लिया जाएगा। दोस्तों सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन जो है कि हमारे पास पूरा रसीद नहीं है, हम लोग क्या करें, यानी जिनके पास पूरा रसीद नहीं है, ये जो क्वेश्चन पूछे RK सिंह ने, तो आपके पास पूरा रसीद नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास पूरा रसीद नहीं है तो आप ऑनलाइन कर सकते हो, जैसे कि आप किसी में भी इन्वेस्ट किए हो, आपका जो था एजेंट था जिसमें भी आपका इन्वेस्ट कराया है, जिसमें बहुत सारे वहां पे हैं होटल है, होटल एंड एंटरटेनमेंट है, मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, उसमें से एक मेन सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है कि आप किस में पैसा लगा रहे हैं, तो आपको पूरा रसीद अपलोड करने का कोई जरूरत नहीं है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ आप जो है यही एक डॉक्यूमेंट मैं दिखा रहा हूँ, इसी डॉक्यूमेंट को आपको वहां पे अपलोड करना है, जहां पे डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, को बस पता होना चाहिए कि आपने कितने बार इन्वेस्ट किया है, यानी मान के चलो कोई किस्ती में देता था, हर महीना में देता था, सालाना देता था या 6 महीना में देता था, तो उसको ये याद होना चाहिए कि आपने कितने बार पैसा दिया है, या तो जितना आप दिए हो वहां पे उस अमाउंट को डालना है। कि अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हो तो मैं स्क्रीनशॉट लेकर के आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपने जितना जमा किया है उस अमाउंट को डालना है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आपका उसी से हो जाएगा। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो पूछे हैं जो कि है विनोद, नॉमिनी के नाम डालना है क्या। दोस्तों देखो, नॉमिनी के नाम आपको कब डालना है, ऊपर में सबसे पहले जैसे कि आप लोग क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो उस टाइम पे, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है इन्वेस्टर, एक है नॉमिनी, एक है आपका अदर। तो अभी नॉमिनी नाम डालने की जरूरत उसको है जो इन्वेस्टर अगर डेथ कर गया है। यहाँ पे इन्वेस्टर कौन है, मान के चलो आपने पैसा यहाँ पे लगाया, यानी आप अपने नाम पे पैसा जमा कर रहे थे तो इन्वेस्टर हुए आप। अगर आपके ना रहने पे अब नॉमिनी जिसको दिए थे उसको, तब उस केस में उसको डालना है, यानी इन्वेस्टर ना रहने पे आपको नॉमिनी डालना है, अन्यथा नहीं डालना है। यानी नॉमिनी डालने का यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, ऐसे अप्लाई करने के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो और इन्वेस्टर नहीं है तो ही आपको नॉमिनी जो है डालना है, यानी नॉमिनी उसके बदले अप्लाई कर सकता है। इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं 3 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है, अगर आप नहीं हो यानी इन्वेस्टर नहीं है तो ही यहाँ पे नॉमिनी डालना है। नॉमिनी में क्लिक करने के बाद आपको नॉमिनी का पूरा डिटेल्स यहाँ पे डालना है और अप्लाई करना है, ऐसे कहीं पे यहाँ पे नॉमिनी डालने की जरूरत नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे नॉमिनी कहाँ पे डालना है। अगला क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट नंबर में क्या डालना है।
तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट नंबर में क्या डालना है, जो भी आप आपके पास सर्टिफिकेट है यहाँ पे देख सकते हैं, मैं नंबर दिखा रहा हूँ, यही है इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट नंबर। इस नंबर को आपको यहाँ पे डालना है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट नंबर मांगा जा रहा है वहां पे इस नंबर को आपको डालना है, आप कोई टेंशन ना ले। गणेश गायकवाड़, गणेश गायकवाड़ जी ये क्वेश्चन पूछे हैं, जो कि एक से ज्यादा सर्टिफिकेट वाले क्या करें प्लीज बताइए। जिनके पास एक से ज्यादा सर्टिफिकेट है, अभी ऑप्शन में देखो क्या किया गया है कि एक से ज्यादा सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आपको क्या करना है कि एक से ज्यादा अप्लाई करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, देख सकते हैं आईडी कार्ड का, उसको आपको चेंज करना है। एक आईडी कार्ड से सिर्फ शायद यहाँ पे एक ही ले सकते हैं, आप लोग अप्लाई करके देखना। पहला में आपको क्या करना है, आधार कार्ड से अप्लाई कर देना। दूसरा जो है यहाँ पे दूसरा डॉक्यूमेंट जब दोगे तो आपको पैन कार्ड अप्लाई कर देना है, उसके बाद वोटर कार्ड तो सबके पास होता ही है, यानी तीन गो ऑप्शन आप लोग डाल सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास होगा कि पासपोर्ट होगा तो भी आप लोग फिर से और एक सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, इसके अलावा अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है यहाँ पे देख सकते हैं और कोई उपाय ही नहीं है एक से ज्यादा अपलोड करने का। तो आप क्या करना, उसी तरह बारी बारी से आप लोग अप्लाई करना, और फिर भी कोई यदि समस्या आती है तो फिर नीचे कमेंट करना, आपको जरूर हेल्प करूंगा। अभी करके किसी का नाम है, उसने ये पूछा है कि अपलोड नहीं हो रहा है, तो दोस्त यहाँ पे अपलोड हो जा रहा है, आप लोग एक दो बार सर्वर इशू के चलते जो कि है अपलोड नहीं ले रहा होगा, लेकिन जो मैंने वीडियो बनाया है उसको आप लोग अच्छे से देखिए कि आपको वहाँ पे कंटिन्यू करना है। अपलोड टू कंटिन्यू करने के बाद दो तीन बार करते हैं तो बड़े ही आसानी के साथ वहाँ पे अपलोड ले रहा। एमडी जामिल ने ये जो क्वेश्चन पूछा है, इन्वेस्टर टू क्या लिखना है, देखो इन्वेस्टर टू में यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है इन्वेस्टर वन इन्वेस्टर टू, तो इन्वेस्टर टू में आपको लिखना क्या है, इन्वेस्टर टू में आपको तब लिखना है अगर आपका अकाउंट ज्वाइंट है, यानी आपका दो लोगों का एक साथ अकाउंट है, तब आपको इन्वेस्टर वन में आपका पहला नाम यानी जिनका पहला नाम है उसमें इन्वेस्टर वन का नाम लिखना है, और इन्वेस्टर टू में अगर आपका अकाउंट दो लोगों का है ज्वाइंट अकाउंट है तो ही उसमें इन्वेस्टर टू का नाम लिखना है, अन्यथा लिखने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपका सिंगल ही अकाउंट है तो आप अपना इन्वेस्टर वन में ही भरना है, अन्यथा इन्वेस्टर टू में आपको खाली रहने देना है, उसके बाद अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है कि लास्ट डेट कब है, लास्ट डेट यहाँ पे अभी तक कोई नहीं दिया गया है कि यहाँ पे लास्ट डेट कब होने वाला है। अगर यहाँ पे साइट पे कहीं पे दिखता कि लास्ट डेट कब है तो मैं बता देता कि लास्ट डेट कब है, अभी कहीं भी ना न्यूज में या फिर कहीं ऐसे साइट में कहीं में भी अभी अपलोड नहीं किया गया है कि लास्ट डेट कब है। 100 बार से ज्यादा सबमिट किया पर नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बताया कि सर चेकबुक के ऑप्शन में क्या डालें, तो दोस्तों चेकबुक के ऑप्शन में आपको डालना कुछ नहीं है, आपके पास अगर चेकबुक नहीं है तो आपको वहां पर अभी पासबुक ही अपलोड कर देना है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये इन लोगों का गलती है, क्योंकि दोस्तों पासबुक अभी 99% लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ पासबुक है, सारे लोगों के पास अभी चेकबुक नहीं है, यानी 99% लोगों के पास ही अभी चेकबुक नहीं है, मैं ये बता सकता हूँ सारे लोगों के पास चेकबुक है ये नहीं, तो आप लोग क्या करोगे, आप कितना वेट करोगे। अगर लगता है कि मुझे चेकबुक अपलोड करना चाहिए तो आप लोग जाकर के बैंक से चेकबुक अप्लाई कर सकते हो, चेकबुक अप्लाई करने के आपको लगभग 15 दिन के बाद आपको चेकबुक आ जाएगा, आप लोग उसको अपलोड कर सकते हो, अन्यथा अभी चेकबुक के जगह पे पासबुक ही अपलोड करके पार कर देना है। ज्यादा जो क्वेश्चन है अभी सबमिट नहीं हो रहे, तो सबमिट इसलिए नहीं हो रहे हैं आप लोग अप्लाई तो कर रहे हो लेकिन आप लोग पूरा डैशबोर्ड नहीं देख रहे हैं, यही समस्या है। आप लोग वहां पे देख सकते हो लेटेस्ट न्यूज में यहाँ पे लिखा क्या गया है कि आपका जो अभी डेट है वो अभी क्लोज है, अभी अप्लाई जो है क्लोज है, इससे आप लोग जैसे ही शुरू होगा तो फिर से आप लोग सबमिट कर सकते हैं, लेकिन हालांकि एक दो को अभी फिर भी ले रहा है लेकिन अभी जो है यहाँ पे क्लोज है, तो आपको वेट करना है, वेट के अलावा और कर ही क्या सकते हैं, वेट करना है, जैसे चालू होगा तो आपको फिर से अप्लाई कर देना है। अगर यहाँ पे कोई भी अपडेट आती है तो आपको इस चैनल पे मिल जाए, अगर इस क्वेश्चनों से भी अगर आपका कोई फिर डाउट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट करें, आपका भी नाम और आपको आंसर दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, जय हिंद।